मैं हूं मोहम्मद अरकान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल डिजिटल दुनिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सोयाबीन की खेती कैसे कर सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सोयाबीन जिसे हम गोल्डन बीज भी कहते हैं, सोयाबीन की खेती करना वर्तमान में काफ़ी ज़रूरी है और ये आसान भी है। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो भारत में सबसे ज़्यादा बोई जाती है। आप शायद ये भी जानते होंगे कि इस फसल का संबंध लेग्यूम परिवार से भी है, यानी फलियों वाली फसल से है। ये एक खरीफ फसल है और इसे भारत में खरीफ के सीज़न में बोया जाता है। ये एक ऐसी लाभदायक फसल है जो काफ़ी अच्छा रिटर्न देती है। इस फसल को बोने के लिए कई तरह के फैक्टर के बारे में ध्यान रखना ज़रूरी है। इस फसल की प्रकृति के आधार पर इस फसल की बुआई की जाती है। इसकी ये निम्न फैक्टर है। सोयाबीन की फसल एक गर्म समय की फसल है। इस फसल की बुआई खरीफ सीज़न में की जाती है। ये फसल रेतीली और हल्की मिट्टी को छोड़कर सभी प्रकार की मिट्टी में बोई जाती है। इस फसल की पैदावार उसी मिट्टी में सबसे ज़्यादा और अच्छी देखी जाती है जिसकी मिट्टी में जल की निकासी अच्छी हो और दोमट मिट्टी हो। इस प्रकार की मिट्टी अच्छी पैदावार देती है। इस फसल की बुआई ग्रीष्मकालीन समय में ही होनी चाहिए। यह ग्रीष्मकालीन फसल है। इसकी खेती के लिए भूमि तैयार करने के लिए सबसे पहले प्लाव करें, फिर उसके बाद कल्टीवेटर करें और उसके बाद रोटावेटर करें। यह एक प्रोसेस है जो फसल की बुआई से पहले करते हैं। ये करने से भूमि में उपस्थित कीटाणु मर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। वह इससे खेत में पहले की फसल में बीज और उसकी कड़प भी टूट जाती है। प्लाव करने से मिट्टी भूरी हो जाती है। प्लाव करने के बाद इस मिट्टी को कम से कम एक महीने खाली रखना चाहिए ताकि इसे अच्छी धूप मिल सके। प्लाव करने के बाद मिट्टी में बड़े बड़े ढले बन जाते हैं, ऐसा मान लो कि मिट्टी बन जाती है। कल्टीवेटर करने से मिट्टी समतल हो जाती है और मिट्टी पतली भी हो जाती है। सोयाबीन फसल की बुआई करने से पहले एक बार रोटावेटर कर लेना चाहिए। रोटावेटर करने से मिट्टी में बचे पुरानी फसल के अवशेष खत्म हो जाते हैं और बुआई आसान हो जाती है। इस फसल की बुआई के लिए बाज़ार में कई तरह के बीज उपलब्ध है। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसके लिए हर राज्य के जलवायु के अनुकूल ही बीज का चुनाव करते हैं। इसके लिए कुछ उदाहरण आपको बता रहे हैं, जैसे उत्तराखंड और हिमाचल राज्य में इस फसल की बुआई करने के लिए VL सोया 2, VL सोया 47, पूसा 16 हरा सोया, पालम सोया। पंजाब एक PS 1241, PS 1092, PS 1347, शिलाजीत VLS 160 और VLS 63 आदि है, इस बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उत्तर भारत में खेती करते हैं तो उसके लिए इस प्रकार के बीज का चुनाव कर सकते हैं। NRC 7, NRC 37, JS 9305, JS 9560, JS 335, JS 8021, समृद्धि और MAUS 81 आदि है। इसके अलावा और भी कई तरह के बीज है जिनका चुनाव आप कर सकते हैं। ये एक गर्मी वाली फसल है। इसके लिए फसल की बुआई जून और जुलाई के पहले सप्ताह में बोई जाती है। इस फसल की बुआई मौसम के अनुसार होती है। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसकी बुआई सीड ड्रिल से करनी चाहिए। सोयाबीन की फसल की बुआई प्रति एकड़ में 25 से 30 किलो बीज ही होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं। इसके आधार पर आप बीघा का हिसाब लगा सकते हैं। इस वीडियो में आपको सोयाबीन की फसल की बुआई और फसल के बारे में बताया गया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल डिजिटल दुनिया को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।